हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ ओटीपी के बारे में। तो आप सभी जानते हैं ओटीपी को और आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कभी ना कभी इसको यूज़ भी किया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल वेबसाइट पर या पोर्टल पर कोई लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको आपके पासवर्ड के साथ साथ आपको ओटीपी भी लॉगिन करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको क्या पता है कि ये ओटीपी आखिर होता क्या है या फिर ये ओटीपी काम कैसे करता है और इस ओटीपी को आपको कौन भेजता है? तो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है और इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ओटीपी है उसका मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। अब आपको इस वन टाइम पासवर्ड शब्द से क्या समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब होता है एक ऐसा पासवर्ड जो कि आपको एक टाइम के लिए वैलिड है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी आईडी पर, यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं, आपका फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे, ये सारे कहीं ना कहीं आपके पेमेंट मेथड्स होते हैं जिनसे आप पेमेंट करते हैं। तो इनमें आपको अगर लॉगिन करना होता है तो आपको एक ओटीपी की आवश्यकता होती है। तो आप अगर इनमें लॉगिन करते हैं तो आपके कोई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, यानी कि वन टाइम पासवर्ड आता है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ आता है ये जो पासवर्ड है, ओटीपी है, ये आपको 10 मिनट तक वैलिड है। अब इस 10 मिनट तक वैलिड का मतलब हो गया कि आपको इसको 10 मिनट के अंदर यूज़ करना है। अब इसके साथ साथ आपको एक कंडीशन और मिल जाती है कि अगर आपने 10 मिनट छोड़ी, आपने 2 मिनट के अंदर इसको एंटर कर दिया है, सिर्फ एंटर कर दिया है, अगर आपकी आईडी लॉगिन हुई है नहीं हुई उससे कोई बात कोई मतलब नहीं है, अगर आपने इसको एक बार इंसर्ट कर दिया है तो उसके बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक तो वो 10 मिनट तक वैलिड रहेगा, दूसरा अगर आपने उसको एक बार एंटर कर दिया तो उसके बाद वो पासवर्ड वैलिड नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ओटीपी है ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं इसको आप एक टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो भी जो कि किसी भी यूज़र की कह सकते हैं आप जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके अकाउंट के अंदर जो उसका डाटा होता है उसको सिक्योर करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी आप ओटीपी डालें तो आप समझ जाइए कि आपकी कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन हो रही है कि आप जिस अकाउंट को यूज़ करने वाले हैं या जिस अकाउंट को आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके ओनर हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओटीपी का सिंपल सा मतलब ये होता है। यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए कि जो आपका ओटीपी होता है वो रैंडम एल्गोरिथम पर काम करता है। अब ये रैंडम एल्गोरिथम क्या है? तो इसमें आपने कई बार नोटिस किया होगा जो आपका ओटीपी होता है वो हर टाइम अलग अलग आता है, यानी कि जो उसके नंबर्स होते हैं वो कभी भी आपको सेम देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपका जो ओटीपी होता है वो प्री डिफाइंड होता है, यानी कि पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि अगर इस डिवाइस से कोई कॉल आता है ओटीपी के लिए तो उसको ये भेजा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको एक रैंडम नंबर्स भेज दिए जाते हैं जो कि आपको 10 मिनट तक वैलिड होते हैं, उनको आप 10 मिनट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाते हैं, यानी कि उनका कोई मतलब नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इन ओटीपी को भेजता कौन है या फिर ये आपके पास कहाँ से आते हैं। तो इसके लिए कुछ कह सकते हैं आप ऑथेंटिफिकेशन सर्वर्स होते हैं हमारे जो डिवाइसेस होते हैं उनके लिए, और उन सर्वर्स के अंदर हार्डवेयर्स होते हैं और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं स्पेशली वो काम करते हैं ये आपके ओटीपी को क्रिएट करने में या फिर आपके ओटीपी को आप तक पहुंचाने में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये ओटीपी होता क्या है, कैसे ये काम करता है या फिर आप इसको आप मतलब ओटीपी आपके पास आता कहाँ से है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं आप उनको मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।